नमस्कार, समाचार टुडे में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आपका अपना खास कार्यक्रम कौन बनेगा सुल्तान लेकर। जी हां, कौन बनेगा सुल्तान का सीधा सा मतलब है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर। उत्तर प्रदेश इस बार किसे मुख्यमंत्री चुनेगा और उत्तराखंड इस बार किसे मुख्यमंत्री चुनेगा, इस बात की तस्दीक समाचार टुडे करेगा। समाचार टुडे जानेगा जनता का मिजाज, आखिर क्या कहती है प्रदेश की जनता और क्या कुछ जनता का मूड है। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर है मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, एक तरफ चाचा और भतीजे में कलह लगातार चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव ने एकदम से 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके सब में हड़कंप मचा दिया है। साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा है कि यूपी जीतने वाला दिल्ली जीतता है। सीधा सरा मुलायम सिंह यादव का सीधा सीधा इशारा आने वाले लोकसभा चुनाव पर है। तो 325 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है, इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुमित, आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ चाचा और भतीजे लड़ाई कर रहे थे, लगातार लड़ रहे थे आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर, उनमें आपस में कलह हो रही थी, लेकिन अचानक से मुलायम सिंह यादव फ्रंट में आते हैं और 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल नकुल, 325 उम्मीदवारों की जारी की है समाजवादी पार्टी ने। बहुत बड़ा फैसला है मुलायम सिंह यादव का, इतने उम्मीदवारों की एक साथ लिस्ट जारी करना। चुनाव नजदीक है, 2017 में चुनाव है, लेकिन नकुल इन चुनावों पर असर जरूर पड़ेगा। मुलायम कुंदन में जो अभी कलह हुई थी, उनका असर जरूर पड़ेगा। टक्कर है सीधी सीधी बीजेपी से समाजवादी पार्टी की। अब देखना यह है, जो लिस्ट जारी की है, इस लिस्ट में जो कैंडिडेट सामने आए हैं, वो कैंडिडेट कितना बीजेपी का। सुमित, इस पूरे मुद्दे पर सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसमें शिवपाल समर्थक ज्यादा हैं, मतलब माना जाए कि इस बार जो भाई है, भाई ने भाई का साथ दिया है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने बेटे का साथ नहीं दिया जो बेटा चाह रहा था कि उसका साथ दिया जाए। बिल्कुल नकुल, अभी मैंने कहा कि जो कलह पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में देखने को मिली थी, उसका असर कहीं ना कहीं इस लिस्ट पर जरूर देखने को मिलेगा, चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अखिलेश खेमे के अलग है, शिवपाल के अलग है, रामगोपाल के अलग है, और चाचा भतीजा की लड़ाई चुनाव में जरूर। सुमित, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी यूपी के प्रवक्ता विजय बहादुर साहब, उनसे बात करेंगे। विजय बहादुर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, सीधे सीधा सवाल है कि पहले कलह चल रही थी, चाचा और भतीजे सीटों को लेकर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अचानक से मुलायम सिंह यादव फ्रंट में आते हैं और सीटों का ऐलान कर देते हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? बहादुर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद तकनीकी दिक्कतों के कारण बहादुर साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन एक अहम खबर उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी है कि 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और खुद सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस बार फ्रंट में आए हैं। 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। आपकी भेंट आने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा हूं। इसके अलावा मैं बोल सकता हूं, आपको खबर दे रहे हैं, लेकिन कॉपी बाद में सबको यहां खड़े हो जाएंगे, दस जन आपके एक गेट पे खड़े हो जाएंगे, वहां आपको कॉपी भी मिल जाएगी। अभी हमने विधानसभा ये रखा जैसे चुनाव में 2017 के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा भारत को 225 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित, 325 आज तक 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 178 सीटें 176 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 149 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में नहीं है। शेष 78 सीटें पर विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, वो भी सूचना आपको दे देंगे।
78 सीटें रह गई और सबके उम्मीदवार हम घोषित कर रहे हैं। अब ये सारे कॉपी जितनी हो सकती हैं उतनी कॉपी आपको दे भी दी जाएगी, शायद सबको न दे पाओ, दे दोगे सबको मेल पे भिजवा दें, मेल कर देंगे। ये सूची दिखा दो, ये दोनों सूची दिखा दो, फोटो ऐसा है जब आप निकलोगे तो गेट पे खड़े हो जाएंगे, आपको कॉपी दे इन्हें माय दे हम भी तो सुने। 175 को लेकर के 325 सही है ना नेताजी? नहीं, दोनों मिला के एक एक का हम सर्वे कर रहे हैं, तो जितने का सर्वे हुआ आपको पता है, इंटरव्यू दिया है प्रोफेसर रामपाल ने 10 दिन लगातार, एक एक उम्मीदवार से 4200 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया प्रशासन के टिकट मांगा, तो ये हैं 430 सीटें और मांगा है 4200 ने, तो एक एक 4200 को रावपा ने आर्डर ने लेकर के बातचीत की है। इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है कि हर उम्मीदवार से बात की हो, और यहां आर्डर ने लेकर के रावपा ने एक एक से बातचीत की, हमारे पत्रकार मित्रों को सब जानकारी है, और बहुत सोच समझ के हमने जिताऊ उम्मीदवार खड़े किए हैं, और ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिससे दोबारा बहुमत की सरकार बने, और मुझे विश्वास है जनता में जो आज मैं देख रहा हूं, मैंने कहा नहीं लेकिन जनता समाजवादी पार्टी को ही दोबारा सरकार बनाना चाहती है, तो इसलिए आज उम्मीदवार घोषित इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से उम्मीदवारों में भ्रम है, जब ये उम्मीदवार हो जाएंगे तो कब से काम शुरू हो जाएगा पार्टी का। अब ये सब यही दफ्तर में हैं, लखनऊ में घूम रहे हैं, अब उन लोगों को बेचारों को 5 साल बाद मौका मिलता है, 5 साल काम करते हैं पार्टी का लगन से, बहुत तकलीफें भी झेलते हैं, बहुत की पिटाई भी पुलिस करती है, जिला प्रशासन करता है, जेलों में डालता है, सब कुछ करता है, 5 साल लगातार मेहनत करते हैं, तो चाहते तो सभी टिकट हैं लेकिन दे पाएंगे 403, और जो बच जाएंगे उनको कहीं कहीं हम सम्मानित करेंगे, जिनको टिकट नहीं मिला है तो उनका भी हम जनता के बीच कहीं कहीं सम्मान करेंगे, लेकिन आपके सामने कोई प्रश्न दे नहीं सकते। संवाददाता सुमित गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुमित एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा, क्योंकि हम बीजेपी से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क किया जाए लेकिन बीजेपी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए, अगर इस पूरी लिस्ट की अगर हम बात करें तो शिवपाल समर्थक जो हैं उन लोगों को ज्यादा टिकट दिए गए हैं और अभी 78 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है, इसका मतलब है कि पहले जो शिवपाल समर्थक है उनको टिकट बांट दिया गया, उसके बाद जो 78 सीटें हैं उनमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का भी ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल नकुल, अखिलेश पूरी कोशिश में रहेंगे, हालांकि सुमित एक बार फिर से हमारे साथ विजय बहादुर पाठक फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बहादुर जी, आपसे जानना चाहूंगा 325 उम्मीदवारों की लिस्ट को आप कैसे देखते हैं? सूची का खेल हो रहा है, और मैं जहां तक पुराने अनुमान है और अभी भी मुझे भरोसा है कि सूची में बहुत सारे बदलाव होने हैं, क्योंकि पहले भी विधानसभा के जो टिकट घोषित हुए हैं उनको 11-11 बार बदला गया है, तो पोल मिला के पोल जेनिक है समाजवादी पार्टी का। आखिर जिन लोगों के बारे में अखिलेश यादव की राय नहीं है और वो सूची में है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद भी दिखाई देता है, ये बातें साफ तरीके से। विजय बहादुर जी, अगर इस पूरी लिस्ट की बात करें तो 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है और शिवपाल समर्थकों को ज्यादा उसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब है कि 78 सीटें जो बची हुई हैं उन 78 सीटों में क्या किया जाएगा, क्या बेटे का ध्यान रखने के लिए कुछ किया जाएगा उसमें?
अब देखिए नकुल, आप कह सकते हैं कि शिवपाल समर्थक है, कौन अखिलेश समर्थक है, कौन प्रधानमंत्री समर्थक है, पर सारा कुनबा है तो सर भाई परिवार और सब परिवार के ही समर्थक है। 2017 में जनता 5 साल के विश्वास और भरोसे का मूल्यांकन करना चाहती है, उसकी जवाब यही चाहती है और पूरा परिवार अलग अलग वक्तव्य देकर एक वातावरण खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। 2012 में भी हमने देखा था कि जब बीपी यादव को अखिलेश यादव जी मना कर रहे थे तो आखिर बीपी यादव को टिकट कटा गया। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम लोग उस सूची में मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं ये छवि चमकाने की भी कवायद है। जनता अपने उन सवालों को लेकर सामने खड़ी है, समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्तर नहीं है और चुनाव किसे लड़ना किसे नहीं लड़ना है तो समाजवादी पार्टी ही तय करेगी। बहादुर साहब एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगा। अगर हम पिछले दिनों की बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में कलह साफ तौर पर सामने आई थी, चाचा भतीजे लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक से वो कलह खत्म हुई। लेकिन अब फिर से जब सीटों की लिस्ट जो सामने आई है, इससे साफ पता चलता है कि पार्टी के अंदर आपसी मनमुटाव अभी भी बरकरार है, अभी भी चाचा और भतीजे में बन नहीं पाई है। कैसे माने, क्योंकि अब तो सूची खुद मुलायम सिंह ने जारी की है जी। तो सारे नेता ये कह रहे हैं कि जो मुलायम सिंह ही कहेंगे वो मानेंगे, तो कला कैसे माने जी। मतलब बीजेपी से कला मानने को तैयार नहीं है, मतलब टोटली ड्रामा ऐसे बताना चाहती है बीजेपी। दागी और दागदार लोग ही समाजवादी पार्टी की पसंद है जी, वो सारे सूची में है। अगर हम मुख्तार अंसारी की पार्टी की बात करें तो मुख्तार अंसारी की पार्टी के लोगों को भी समर्थन में लिया गया, शिवपाल यादव उनकी उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद उनके नेताओं ने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की, तो क्या कुछ असर पड़ सकता है आने वाले चुनाव में अंसारी से जुड़ने का समाजवादी पार्टी को? देखिए जनता ये पूछ रही है कि उसे बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला जी, 5 साल वो पूरी तौर पर अखिलेश राज में असुरक्षित क्यों रही जी, कर्जे क्यों नहीं माफ हुए जी, लैपटॉप क्यों नहीं मिला, उसको टैबलेट क्यों नहीं मिला जी, भ्रष्टाचार पर जो जिन जो पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया था उसको सरकार ने क्यों बचाया, क्यों सब पैसे दिया, लोकायुक्त की तमाम जाते पेंडिंग पड़ी है मुख्यमंत्री के कार्यालय में, मुख्यमंत्री क्यों उन भ्रष्ट लोगों को बचाने में लगे हैं जिनके बारे में लोकायुक्त की रिपोर्ट है उनके फाइलों में पेंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बहादुर जी, आपका सवाल जायज है बहादुर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए, और इस जायज सवाल को समझना होगा मुख्यमंत्री को भी और सपा सुप्रीमो को भी। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो 325 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है, शिवपाल के समर्थकों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है यहाँ पर। सुमित गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। सुमित, विजय बहादुर पाठक से हम लोग बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो तमाम आरोपों का हवाला दे रहे थे, लोकायुक्त की फाइल्स का हवाला दे रहे थे, और जो सियासी ड्रामा जो समाजवादी पार्टी के बीच चला था, कलह हुई थी, इस कलह को भी पूरे तरीके से नकार रहे थे। आप कैसे देखते हैं, कलह हुई थी या फिर एक ड्रामा था? कुल मिलाकर नकुल, नेताजी जो बात कर रहे थे जी, आपको नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि कलह चाहे चाचा भतीजे की हो, चाचा भतीजे के बीच में झगड़ा हो, लेकिन आखिरी मोहर इस लिस्ट पर नेताजी की लगनी है, ये सर्वमान्य विदित तथ्य है। आखिर में नकुल लिस्ट अभी से जारी हुई है 325 उम्मीदवारों की, इस पर फाइनल मोहर अभी नहीं लगेगी। फाइनल मोहर तब लगेगी जब बीजेपी उम्मीदवार लाएगी, बसपा उम्मीदवार सामने लाएगी, कांग्रेस लाएगी, उसके बाद इसमें फेरबदल भी संभव है, तो फेरबदल जरूर करेगी इसमें समाजवादी पार्टी नकुल। सुमित, अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अचानक से शिवपाल यादव फ्रंट में आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाता है, कैबिनेट से बाहर हो जाते हैं वो, उसके बाद वो जो अखिलेश यादव है उनके समर्थकों के टिकट भी काटने लग जाते हैं। ऐसे में हम कैसे मान लें कि समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक तो कहा, समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है ये तो सबके सामने है, क्या ठीक चल रहा है क्या ठीक नहीं चल रहा है सब उत्तर प्रदेश जानता है समाजवादी पार्टी में कितना कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन नकुल ये भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो लिस्ट है उस पर मोहन नेता दिख रही लग रही है, हालांकि अखिलेश अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उनके चाहने वाले उम्मीदवारों को जगह दी जाए, शिवपाल यादव पूरी कोशिश करेंगे, रामगोपाल यादव अलग कोशिश करेंगे, तीनों अपनी अपनी गणित जरूर लगाएंगे इस लिस्ट में, और लिस्ट पर आखिरी मोहर तभी फाइनल होगी जब बीजेपी बसपा और सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों को सामने रख देगी।
बिल्कुल सुमित, एक गंभीर सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश के सामने है कि उत्तर प्रदेश चुने तो क्या चुने। एक तरफ परिवारवाद है, एक तरफ परिवार आपस में लड़ रहा है टिकटों के बंटवारे को लेकर, सत्ता को लेकर, वहीं दूसरी तरफ तमाम और पार्टियां हैं। मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती के अपने दावे होते हैं, बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के अपने दावे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश किस मुहाने पर खड़ा है। अगर हम उत्तर प्रदेश में बढ़ते क्राइम की बात करें तो क्राइम लगातार बढ़ रहा है, पलायन की अगर हम बात करें तो पलायन लगातार उत्तर प्रदेश से हो रहा है, अन्नदाताओं की अगर हम बात करें तो अन्नदाता भी आत्महत्या करने को मजबूर है, बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में पिछले दिनों हमने देखी थी किस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा धर्म संकट उत्तर प्रदेश की जनता के सामने सुमित यह है कि वो चुने तो किसे चुने आखिरकार। ऑप्शन तो उसके पास 3-4 ही है। नकुल, समस्या हर प्रदेश में होती है, हर जिले में होती है, हर राज्य में होती है, और उन समस्याओं का जिक्र तभी होता है जब चुनाव नजदीक होते हैं। उन समस्याओं को दूर करने के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन ये वादे और दावे कितने धरातल पर उतरते हैं ये चुनाव के बाद जनता के सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश में जिसको कह सही है काफी समस्या है, भ्रष्ट अपराध समस्या है, पलायन समस्या है, किसान समस्या है। सभी पार्टियां अपनी तरफ से कोशिश करेंगी लोगों को लुभाने की, वोटरों को लुभाने की, और ये समस्या है उनका मुख्य हथियार रहेगा जनता के सामने आने का। लेकिन समाजवादी पार्टी कहा जा सकता है पूरी तरह से फेल हुई है अपराध को निपटाने में। अपराध के दावे किए थे समाजवादी पार्टी ने कि अपराध दूर, अपराध मुक्त प्रदेश होगा, लेकिन अपराध लगातार बढ़ा है, पलायन बढ़ा है, किसानों की समस्याएं बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर थे, हम बात कर रहे थे 325 उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और 325 उम्मीदवारों की लिस्ट में शिवपाल के समर्थकों का, शिवपाल के लोगों का ज्यादा ध्यान रखा गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं अपने पिताजी से ही बगावत तो नहीं कर बैठेंगे। बात करेंगे और तमाम खबरों पर कौन बनेगा सुल्तान में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप तो देखते रहिए समाचार पूरा।